हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम है सर, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पे न्यूज तो अभी तक आप लोगों को पता चल चुकी होगी कि सीजी जो है यहाँ पे उनको 4 महीने की जेल हो चुकी है। लोग बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, कुछ लोग पैनिक कर रहे हैं जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर नए हैं। सीजी जो है बाइनेंस के फाउंडर थे और फॉर्मर सीईओ हैं। तो लोगों को ये क्वेश्चन है, क्या हमें बाइनेंस से अपने फंड्स को विड्रॉ कर लेना चाहिए? क्या जो बाइनेंस इंडिया के अंदर वापस आ रहा था, क्या वो अब आएगा या फिर नहीं आएगा? और क्या बाइनेंस सेफ है या फिर नहीं है? तो यहाँ पे सभी सवालों के जवाब जो है इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की वजह से जो है, और यहाँ पे बैंक सीक्रेसी एक्ट, इन सभी चीजों की वजह से जो है सीजी को यहाँ पे 4 महीने की जेल हुई है। यहाँ पे साथ साथ में हम मार्केट की अपडेट्स भी ले लेते हैं। मार्केट के अंदर क्या क्या अपडेट चल रही है वो भी जानना जो है वो जरूरी है। सबसे पहले जो न्यूज निकल के आ रही है वो यहाँ पे निकल के आ रही है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अरेस्ट किया है एक बंदे को जिसका नाम है रोजर वर, जो टैक्स इन्वेजन की वजह से, ये एक अर्ली बिटकॉइन इन्वेस्टर था, इसको जो है यहाँ पे अरेस्ट किया है। दूसरी जो हमारी न्यूज निकल के आ रही है, यहाँ पे न्यू आर्क्स बिटकॉइन ETF सीज आर लार्ज आउटफ्लो देन GBTC से भी ज्यादा आउटफ्लो जो है हमें आर्क के बिटकॉइन ETF से जो है वो हमें निकलता हुआ दिखा है, जिसका मतलब है सेलिंग हो रही है यहाँ पे। हांगकांग की न्यूज निकल के आ रही है, हांगकांग ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे हांगकांग 6 बिटकॉइन ETF जो है, बिटकॉइन एंड इथेरियम ETF जो है बहुत कम ट्रेडिंग आई है। यहाँ पे सिर्फ 11 मिलियन की वॉल्यूम जो है, ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पे एक दिन के अंदर जो है देखने को मिली थी। एक्सपेक्टेशन जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे उसके कंपेरिजन में अगर हम देखें तो यहाँ पे जब USA के अंदर जो है बिटकॉइन ETF स्टार्ट हुए थे तो 4.6 बिलियन की जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पे हमें देखने को मिली थी। तो उसके बाद यहाँ पे एक और न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो पॉवल है, FOMC की जो मीटिंग है उसके अंदर आज क्या होने वाला है, व्हाट डू यू थिंक फेड चेयर पॉवल विल से एट द FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे आज ही है, तो आज ही ये न्यूज़ निकल के आ रही है। ये कुछ न्यूज़ हैं जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट हमें डाउन देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अगर हम बात करें सीजी के जो है, यहाँ पे एक सबसे बड़ी अच्छी चीज जो उनकी थी, जो उनके फेवर में काम कर गई, जब इनको इनके ऊपर ये एक्ट्स लगाए गए और इनको ये चीजें बोलेंगे कि आपसे ये गलतियां हुई थी, ये सीधा USA चले गए और वहां पे जाके चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की और इन्होंने खुद कबूल किया कि हाँ हमसे ये गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो जेल टाइम है ना इनका, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो था वो 3 साल का बोल रहा था कि इनको प्रिजन के अंदर 3 साल तक जेल के अंदर रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जज ने जो है इनको सिर्फ 4 महीने की जेल जो है वो की है। और उसके बाद यहाँ पे इनको $4 बिलियन का फाइन बाइनेंस को पे करना पड़ा और सीजी को खुद से $50 मिलियन का फाइन जो है यहाँ पे करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें जो प्रोबेशन ऑफिसर थे, यहाँ पे बोला था कि 5 महीने की जेल होनी चाहिए और इनके बाद सुपरविजन जो 3 साल का टाइम पीरियड होता है वो होना चाहिए, तो वो सारी चीजें तो नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पे सीजी जो है सिर्फ 4 महीने के लिए जेल में रहेंगे। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, क्या बाइनेंस जो है वो इंडिया के अंदर वापस आएगी और क्या बाइनेंस सेफ है या फिर नहीं है? तो आप लोगों से मैं बताना चाहूंगा, सीजी ने पहले ही जो है स्टेप डाउन कर दिया था सीईओ की पोस्ट से। अब बाइनेंस का सीईओ एक और बंदा है और यहाँ पे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बाइनेंस के ऑपरेशंस, बाइनेंस पे ट्रेडिंग, बाइनेंस पे जो सारे काम पहले जैसे चल रहे थे वैसे ही स्मूथली चलते रहेंगे, क्योंकि टीम बैक एंड पे काम कर रही है। सीजी फॉर श्योर एक इंपॉर्टेंट पार्ट थे बाइनेंस का, क्रिप्टो वर्ल्ड में एक अच्छे इंसान थे और क्रिप्टो के अंदर बहुत सारी चीजें उन्होंने डेवलप करी हैं, लेकिन यहाँ पे वो बोलते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी, उन्होंने सारी चीजें सैम बैंकमैन फ्राइड के साथ, FTX एक्सचेंज का कोलैप्स अगर आपने देखा होगा ना, वो उसका मेन जो रीजन था वो सीजी के ट्वीट्स थे। और उसके बाद जो है अब सीजी को खुद भी प्रिजन में जाना पड़ा, चाहे टाइम फ्रेम चाहे टाइम पीरियड कम हो, लेकिन जाना तो पड़ा। और यहाँ पे जो चीजें उनके फेवर में काम की वो ये थी कि वो USA के अंदर चले गए और सारी चीजें उन्होंने खुद से मान ली। और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस था वो बोल रहे थे कि हमें एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए और एक 3 साल की कम से कम मिनिमम इनको प्रिजन टाइम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो जज था उसने यहाँ पे सिर्फ 4 महीने की जेल टाइम जो है वो इनको दिया है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई सजेशन है, आपका कोई सुझाव है, वो भी आप कॉमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर ये सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स जो है वो मैंने पहले ही डाल दी हैं।